माँ पुत्र के मिलन के प्रतीक 7 दिनों तक चले अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आज समापन हो गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने विधिवत अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का समापन किया। राज्यपाल ने मुख्य परशुराम मंदिर परिसर में भगवान परशुराम की पालकी को कंधा दिया और सभी देव पालिकाओं को अपने अपने देव स्थल के लिए विदा किया। मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय मेले की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस पावन धारा पर उन्होंने प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए आरोग्य प्रदान करने की प्रार्थना भी की है। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें रेणुका धरती पर शुभ मेले के अवसर पर पहुँचने का अवसर मिला। राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के अवलोकन भी किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक विनय कुमार समेत कई प्रमुख नेतागण व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रेणुका जी के पावन क्षेत्र में और भगवान परशुराम जी के पावन क्षेत्र में आकर इस मेले में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। सबसे पहले आप सबको इस मेले के निमित्त शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान परशुराम तथा माता रेणुका जी के पदस्पर्श करके मैंने इतना ही मांगा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे और इन सब लोगों को आपका आशीर्वाद रहे। मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मैं इस रेणुका जी के नगरी में आ गया हूँ और भगवान परशुराम और रेणुका जी की पूजा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। वैसे मैं गोवा से आता हूँ और गोवा से यहाँ आने के बाद ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल होता है, परंतु माता रेणुका तथा भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से ये सौभाग्य मुझे मिला है। मैं समझता हूँ कि हम सब आप सब की तरफ से हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैंने रेणुका जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का जो प्रयास किया है उसमें मैं सफल होऊंगा और हमारे पूरे हिमाचल प्रदेशवासियों को इसमें सुख शांति समाधान समृद्धि प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।